हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह के रंग देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर देहरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। अगर कमलेश ठाकुर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची, तो ये पहली बार होगा जब हिमाचल प्रदेश में एक ही हाउस के दौरान पति और पत्नी एक ही सदन के सदस्य होंगे। ऐसे में इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और केंद्रीय आला कमान का कमलेश ठाकुर को टिकट देने का यह निर्णय आम जनता को कैसा लग रहा है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा फैसला लिया गया, ये स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में मात्र 2 महिलाएं हैं, तो और महिलाओं का होना भी ज़रूरी है। जो मुझे लगता है वो अभी तक अगर आप देखेंगे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बहुत अच्छे से टिकट बांट रही है, क्योंकि अभी जो 6 सीटों पर भी हुए थे, 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और इससे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं वो, और साथ ही उनका मायका भी साथ लगते गाँव में है, तो ऐसे में निर्णय सही लगता है, बाकी जनता का फैसला देखना बाकी है। मेरा मानना इसमें यह है कि जैसे पहले तो सुक्खू साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पहले ही परिवारवाद के बहुत भी मतलब इसके खिलाफ रहे हैं कि भाई जो परिवारवाद को बढ़ावा ना दें, इस तरह की उनकी पहले काफ़ी मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं। बट वर्तमान समय में क्या होता है कि उनकी अपनी धर्मपत्नी को टिकट मिलना, मतलब वही अपने आप में एक ऐसा है कि मतलब जो अपनी उनकी कही हुई बातें हैं वही मतलब उसको ही नहीं कर पा रहे हैं वो। तो बाकी तो लोकतंत्र है, वहाँ के जो लोग हैं वही डिसाइड करेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो इतना ही है। बाकी तो कांग्रेस परिवारवाद में सबसे आगे रही है, सेंट्रल लेवल से देखो आप गांधी परिवार और हिमाचल में, तो ठीक है उसी दिशा की ओर चले हैं, जो परिवारवाद सेंटर से प्रदेश और अब हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर जी सिंह सुक्खू जी वो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई बड़ी बात है। स्टेटमेंट ही उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट्स थी वही उन्होंने बस वही बदल रहे हैं, बाकी तो ठीक है अपने जो उनका कांग्रेस की जो पहले से रणनीति रही है उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी जो है वो चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जो मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है वो खुद देहरा से बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक मैंने मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट भी सुनी थी कि उन्होंने जो टिकट के लिए कोई अप्लाई नहीं किया था, परंतु पार्टी हाईकमान ने जो है वो उन्हें जो है टिकट सौंपा गया है, और बाकी इसका फैसला जो है खुद जनता तय करेगी कि वो उनको जो जिता के जो है विधानसभा में भेजेंगे, वो तो जनता के हाथ जो है वो निर्भर करता है। ये हाईकमान का निर्णय है, और असली जो निर्णय है वो लोगों के द्वारा, लोगों के मतों के द्वारा किया जाएगा। 10 जुलाई को जो मत डालना है, इसमें लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, इसमें कोई वो नहीं, आप आम परिवार से भी कोई भी खड़ा हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। हाईकमान ने जब टिकट दिया है तो लड़ना चाहिए, और असली मत जो लोग उसको मत देंगे उसका निर्णय 10 जुलाई को लोग देंगे। इसमें ना तो कोई CM की तौर पे देखना चाहिए, ना किसी और तो, मेरा मतलब लोकतंत्र में सभी जब अपना मत देते, अब वहाँ पे एक BJP का प्रत्याशी भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, अब जिसको ज़्यादा मत पड़ेंगे वही विजयी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई CM की पत्नी को ही वोट देना कंपलसरी है। सरकार हिमाचल में बनी है, इसकी जो है वो विफलताएं ही हाथ लग रही हैं दिन प्रतिदिन, और जिस प्रकार जो है वो उपचुनाव पहले भी हुए लोकसभा के चुनावों के साथ हिमाचल प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 2 BJP की सीटों की जीत हुई और 4 कांग्रेस की सीटों की जीत हुई, परंतु अब जो 3 निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और इसका इस्तीफा जो है हमारे कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो है मंजूर कर लिया, और उसके बाद फिर उपचुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में उन 3 सीटों पर, और 1 सीट जो है हमारी देहरा है, जिसमें जो है कांग्रेस ने जो है वो कमलेश कुमारी को टिकट दी है, कमलेश कुमारी को टिकट दी है जो अति निंदनीय है। जैसे कि आप जानते हैं इतिहास से ही कांग्रेस सरकार का जो है परिवारवादी इतिहास रहा है, और ये अति निंदनीय कार्य है। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, यानी जनता के हाथ ही ये फैसला होता है कि कौन सा कदम सही है और कौन सा कदम गलत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतारने का फैसला सही है या गलत, इसका फैसला जनता 10 जुलाई को करेगी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर आम जनता के जो मत हैं वो बंटे हुए हैं। 13 जुलाई को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार क्या धर्मपत्नी और पति दोनों एक साथ एक ही हाउस में सदस्य बनकर पहुँच पाएंगे या फिर नहीं।
फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।